हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप 2024 के अंदर कैनवा को किस तरह फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कैनवा की जो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं उनको आप किस तरह फ्री में यूज़ कर सकते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले नहीं हैं और न ही हम एक्स्ट्रा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। आप चाहे मोबाइल में अभी यूज़ कर रहे हैं कैनवा को या पीसी पे यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ही बता दूंगा कि आपने किस तरह कैनवा की प्रीमियम टेम्पलेट्स को फ्री में यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ यूट्यूब थंबनेल्स, अगर मैं कोई थंबनेल बनाना चाहता हूं तो इसमें प्रीमियम टेम्पलेट, अच्छे टेम्पलेट जो होते हैं वो सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहां पर मैं यहां से फ़िल्टर्स लगा देता हूं, यहां से ऑल फिल्टर्स पे जाता हूं और यहां से मैं थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फ्री और प्रो है। यहां पर मैं प्रो पे क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सारे टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं ये प्रो वाले शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें ये सारे प्रो वाले। अभी मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो है मैं यूज़ दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर परचेजिंग मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या करना है यहाँ से मैं आगे आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने इस टेम्पलेट का लिंक जो है यहाँ से मैंने शेयर के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक लिंक कॉपी हो गई और मैं अपने दूसरे कैनवा में जाता हूँ, यहाँ पर मैं उस लिंक को ले जाके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम टेम्पलेट यहाँ पर भी ओपन हो जाएगी। और यहाँ से जो है मैं जब कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगेगा, आप आसानी से जो है इसको कस्टमाइज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह हज़ारों नहीं बल्कि लाखों टेम्पलेट्स आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। सिंपल google.com पे जाएंगे और यहाँ से जो है आपने क्या लिखना है, file fileshef.link, उसके बाद आपने इंटर करनी है। सबसे पहला जो लिंक आएगी उस पर आपने क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कैनवा फ्री लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है लिंक्स वगैरह ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आखिर में देखें फाइल शेफ लिंक के नाम से एक टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी शो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप इस पेज को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर पोस्ट वगैरह, तीन पोस्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप किसी भी पोस्ट पर क्लिक करें, आपने किसी भी पोस्ट पे इसको क्लिक करना है और जनाब मन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है कैनवा प्रो फ्री, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस पेज को ड्रॉप डाउन करता हूँ। इस पेज को गौर से देख लें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देख लें कैनवा प्रो फ्री पर क्लिक किया तो ये वाली पेज ओपन हो गई, देख लें गौर से। उसके बाद इस पेज को मैं थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करता हूँ, सबसे नीचे आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो है क्लिक हियर टू गेट कैनवा फ्री का एक ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर पेज के लास्ट में यहाँ पर कुछ सेकंड का काउंटडाउन चलेगा, उसके बाद ये वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी तो या आपने यहाँ पर क्लिक हियर टू गेट कैनवा फ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक और पेज ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख लें तो जनाब यहाँ पर जो है लिखा हुआ गेट दी करेक्ट आंसर्स टू दी थ्री क्वेश्चंस टू अनलॉक दी लिंक आई एम नॉट रोबोट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे कुछ आसान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आपने करेक्ट आंसर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख लें, ओके जब आप ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे यहाँ पर एक लिंक आपको मिल रही है, कैनवा लिंक। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, इस लिंक को यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और इस लिंक को कॉपी करके अपने कैनवा में पेस्ट करना है। यहाँ पर देख लें, इस लिंक को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ले जी आपका काम यहाँ पर हो गया।
लेकिन रुके, यहाँ पर हो सकता है आपको कोई एरर भी आए। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह का एरर आ सकता है यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं भी हो सकता है इस तरह का जो है, इस तरीके का जो है आपके पास कोई एरर वगैरह आए। अगर इस तरह का आपके पास एरर आ रहा है तो नीचे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बतानी है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आपने इस एरर को किस तरह फिक्स करनी है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।